वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, इस टाइम हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ गाइस एक ही सवाल ट्रेंडिंग पे है, और वो है व्हाट इज प्रोजेक्ट के। लोगों को, फैंस को जानना है कि भाई आखिरकार ये है क्या प्रोजेक्ट के। और जैसे जैसे कॉमिक कॉन की डेट 20th of July बिल्कुल करीब आती जा रही है, वैसे वैसे गाइज प्रोजेक्ट के भी बढ़ता जा रहा है। और मैंने और आपने भी, मुझे बिलीव है कि आपने भी आज से पहले बहुत सी बड़ी बड़ी मूवीज के गाइस टाइटल रिवील्ड होते हुए देखे होंगे। लेकिन गाइस प्रोजेक्ट के का ये जो टाइटल रिवील्ड है गाइस, ऐसा टाइटल रिवील्ड आज से पहले मैंने नहीं देखा। और स्पेशली कॉमिक कॉन में जाके अपना टाइटल रिवील्ड करना और बताना कि व्हाट इज प्रोजेक्ट के, भाई आज से पहले हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। अब गाइस जितना ये बिल्कुल सुनने में बड़ा लगता है, ओवरऑल भी गाइस ये बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा कैसे, जो प्रोजेक्ट के की कास्ट है, सबसे पहले तो लीड रोल प्रभास, और गाइस उनके साथ गाइस राणा नायडू। मैं गाइस इनको राणा नायडू के नाम से भाई साहब जानता हूं, मुझे और कोई नाम इनका नहीं था। मतलब भल्लाल देवी हम जानते हैं बाहुबली 2 में, लेकिन राणा नायडू, तो राणा नायडू यानी कि भल्लाल देव और प्रभास गाइस पहुंच चुके थे, मींस के कल ये पहुंच चुके थे। मैं अभी आपको बता रहा हूं यूएसए के अंदर, और ऊपर पिक्चर में आप देख सकते हैं हॉलीवुड लिखा होता है, और बड़े स्टाइल से दोनों खड़े होते हैं। मतलब कि गाइस देख के ही मजा आ जाता है कि ये लोग तबाही करने वाले हैं। और साथ प्रोजेक्ट के की इन्होंने शर्ट पहनी होती है। इतना ही नहीं गाइस, कमल हसन भी पहुंच चुके। कमल हसन की भी गाइस पिक्चर आई हुई थी यूएसए के अंदर। तो क्योंकि आज है गाइस 19th of July, कल है 20 जुलाई, कल गाइस ओवरऑल मींस के कल इंडिया के अंदर 20 जुलाई है। वैसे ही तो गाइस इंडिया के अंदर 21st of July को, यानी के परसों दिन 1 बजे व्हाट इज प्रोजेक्ट के क्या है हमें पता चलेगा। लेकिन गाइस प्रोजेक्ट के का ये जो टाइटल रिवील्ड है, कहीं ना कहीं से गाइस ये मैंने आपको बता दिया था कि रिवील्ड हो चुका है, और उसका नाम है कल्कि। लेकिन अब मेकर्स की तरफ से जब तक ऑफिशियल नहीं हो जाता, ग्लिम्स नहीं आ जाता, हम गाइस कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन गाइस न्यूज बहुत बड़ी है, स्पेशली गाइस राणा नायडू ने बहुत टाइम पहले ही खुद प्रोजेक्ट के बारे में बोला था कि भाई साहब RRR या बाहुबली 2 कुछ भी नहीं है प्रोजेक्ट के, ये इंडियन फिल्म हिस्ट्री मीन्स के इंडियन जो सिनेमा है उसकी गाइस बिल्कुल ये खेल ही बदल करके रख देगी प्रोजेक्ट के, इस लेवल का ये लोग बना रहे हैं। तो गाइस अगर तो ऐसा है, फिर तो लग रहा है कि प्रोजेक्ट के सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करने जा रही है। लेकिन फिलहाल गाइस ऐसा कोई चीज नजर नहीं आ रही, क्योंकि मेकर्स ने दीपिका की गाइस फर्स्ट लुक को रिवील कर दिया है। और मैं तो यही सोचकर बैठा था कि दीपिका की अगर फर्स्ट लुक को रिवील किया है तो गाइस उसके साथ मे बी डे बाय डे ये अभी कमल हसन के, अमिताभ बच्चन के, फिर मे बी एंड पे प्रभास के लुक को रिवील कर दे। लेकिन गाइस इन्होंने कोई लुक रिवील नहीं किया। आई डोंट नो व्हाई कर देनी चाहिए थी, 3-4 दिन थे, लेकिन मुझे अब नहीं इसके अंडर समझ आ रही। लेकिन इतना मैं गाइस एक्सपेक्ट जरूर कर रहा हूं कि ये जो ग्लिम्स रिलीज करेंगे कॉमिक कॉन में, उस ग्लिम्स के अंदर गाइस जरूर 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 इन सारे कैरेक्टर्स का गाइस फर्स्ट लुक होगा। मतलब कि गाइस किसी और कैरेक्टर का हो या ना हो, हमें गाइस प्रभास का तो चाहिए, क्योंकि काफी लॉन्ग टाइम से हम वेट कर रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर प्रभास के फर्स्ट लुक। खैर दोस्तों, मजे की बात यह है कि ना सिर्फ फर्स्ट लुक होगी बल्कि हमें BGM का भी पता चलेगा, और BGM का नहीं, व्हाट इज प्रोजेक्ट के मतलब के प्रोजेक्ट के का जो टाइटल रिवील्ड होगा ना, यानी कि प्रोजेक्ट के का जो मतलब हमें पता चलता जाएगा ना कि कल्कि है या क्या है, तो फौरन से हमारे माइंड में आ जाएगा अच्छा ये इस टाइप की फिल्म होने जा रही है। तो गाइस ज्यादा टाइम नहीं है, आज है 19th of July, कल है 20th of July, आज से मतलब के ठीक 2 दिन बाद, यानी कि परसों दिन के लगभग 1 बजे, अभी एग्जैक्ट रिलीज टाइम नहीं आया, जैसे ही आएगा तो मैं आपको साथ जरूर शेयर करूंगा, लेकिन जैसे ही आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो प्रोजेक्ट के कॉमिक कॉन में गाइस प्रेजेंट होगी, तो आप लोग मुझे बताएं कितना आपको लगता है कि क्या ये बहुत बड़ी हिट हो सकती है, नहीं हो सकती, नीचे बताएगा। अभी तक के लिए इतना ही, होप सबको वीडियो पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।